नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी नेक के डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। इस डिज़ाइन के लिए हमने ये कुर्ती को कट किया हुआ है। फ्रंट और बैक का ये पोर्शन है, नेक को हमें कट करना है। यहाँ पर हम नेक के विड्थ 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और नेक लेंथ, ये कॉलर है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ नेक लेंथ 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और ये बॉक्स बनाकर नेक का ये शेप देना है। ये हमारा फ्रंट का भाग है, हम इसे अभी कट नहीं करेंगे। बैक पोर्शन में लगभग 1/2 इंच या 1 इंच तक का ये गला बनाकर हमें ये शेप देना है और कट करना है। इस तरह से हम इसे कट करेंगे। फ्रंट का ये पोर्शन हम कट नहीं करेंगे। अभी हमने एक स्ट्रिप ली है जिसके ऊपर हमने कैनवास अटैच किया है और तीनों ओर से पट्टी को फोल्ड करके यहाँ सिलाई ली है। स्ट्रिप की चौड़ाई इस तरह से 2.5 इंच की है और इसको सेंटराइज करेंगे। ये सेंटराइज करके हमें इसे हमारी कुर्ती की फ्रंट साइड की राइट साइड में अटैच करना है। ये यहाँ पर जो हमारा नेक का शेप है उसे थोड़ा ऊपर रखते हुए इसे अटैच करना है। इसकी लंबाई हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो यहाँ इसकी लंबाई चेक करेंगे और लगभग 12 इंच तक इसकी लंबाई हम रखेंगे और सेंटर से सेंटर मिला के नेक के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर कुछ ये बीट्स और सीक्वेंस है जिसे हम बीच में कट करके इसके बीच में अटैच करेंगे और सेंटर में दोनों साइड से सिलाई लेनी है। दोनों साइड में एक हल्का सा गैप रखेंगे और बीच में ही सिलाई आएगी। नीचे का हिस्सा कुछ हम छोड़ देंगे इस पट्टी पे ताकि हम इस पट्टी को रॉन्ग साइड में इजीली टर्न कर सकें। इस तरह से अभी दूसरी साइड में सिलाई लेंगे सेंटर से। यहाँ पर देखिए हमारी सिलाई हो गई है और सेंटर में दोनों इक्वल में ये सिलाई आई है और इसे अलग कर देंगे एकदम सेंटर से। इस पट्टी को हमें अभी लॉन्ग साइड में टर्न करना है। इस तरह से लॉन्ग साइड में टर्न करने के बाद यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लेंगे ताकि ये जो हमारी पट्टी है वो लॉन्ग साइड में अटैच हो जाए, दब जाए। इस तरह से ये स्ट्रिप हमारी यहाँ अटैच हो गई है। दोनों को इक्वल मिला देंगे यहाँ पर। और अभी हमारा जो नेक है वो हमें कट करना है। जो हमने नेक ड्रॉ किया है इसे अभी कट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर कट होने के बाद इसके बाद में हमने एक स्ट्रिप ली है, ऊपर से फोल्ड करके फिर इसे डबल किया है। जैसे हम हुक्स एंड आइज के लिए लेते हैं स्ट्रिप, एक साइड में स्ट्रिप को इस तरह से दबाना है पट्टी के नीचे। ऊपर हमने थोड़ा सा गैप रखा है लगभग 1/4 इंच का और यहाँ उसके नीचे से स्ट्रिप को यहाँ से अटैच करेंगे। जहाँ तक ये स्ट्रिप है हमारी जो हमने फिनिशिंग दी है यहाँ तक इसे अटैच करेंगे और फिर इन दोनों को बराबर मिलाकर यहाँ पर एक लॉक स्टिच देंगे। ये हुक्स एंड आइज की हमारी ये स्ट्रिप रहेगी ताकि हमारा ये कॉलर है तो इजीली वेयरेबल हो सके। तो ये स्ट्रिप यहाँ पर हमारी रेडी है और अभी ये हमारा कुर्ती का बैक का पोर्शन है और फ्रंट का पोर्शन यहाँ पर प्लेस करके दोनों के शोल्डर को हम अटैच करेंगे। शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। अभी यहाँ नेक को बराबर से सही से पकड़ के ये दोनों हिस्सों को पकड़ के हमें चेक करना है। जैसे हम कॉलर का नेक चेक करते हैं वैसे ही नेक को चेक करेंगे कि हमारा ये नेक लाइन कितनी है। लगभग 1/4 इंच की है। इसके लिए हमने ये कैनवास की स्ट्रिप ली है।
और ये यहाँ से हम 3 इंच की ये चौड़ी है, और जो हमने ये लंबाई से मार्क दिया है 8 इंच का, यहाँ पर 1/4 इंच और ऊपर 1/4 इंच का मार्क देंगे। दोनों साइड से ये मिला देंगे और यहाँ से एक हल्की सी गोलाई देनी है। ये हिस्सा हमारा यहाँ से कट करना है। ये प्लेन ओपन कॉलर है। अगर डिटेल में आप चाहते हैं तो इसका एक डिटेल में वीडियो अपलोडेड है, काफ़ी पुराना, और वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर हमने इसे आयरन से पेस्ट कर दिया है। नीचे एक और लेयर है फैब्रिक की, और इस तरह से यहाँ से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। ये जो सीधा हिस्सा है वो ऊपर का रहेगा कॉलर का, और जो गोलाई दी थी वो हमारी नेकलाइन पे अटैच होगा। इस तरह से ये तीनों साइड में हमने ये सिलाई दे दी है, और अभी इस स्ट्रिप को हम टर्न करेंगे, कॉलर को टर्न करेंगे। ये प्लेन ओपन कॉलर है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि कैनवास में किस तरह से इसे आप डिटेल में समझ सकें। इस तरह से ये हमारा कॉलर हो गया है। अभी हमें इसे अटैच करना है कुर्ती की नेकलाइन पे। तो ये हमारी नेकलाइन है, और यहाँ पर जो कैनवास वाला हिस्सा है कॉलर का, वो यहाँ अंदर की ओर रखना है, वो हम पहले अटैच करेंगे। तो ये कैनवास वाला हिस्सा है, और इस तरह से रॉन्ग साइड में नीचे हमारा दबा हुआ है, और जैसे हम कॉलर अटैच करते हैं नेक पर, वैसे ही यहाँ पर ये अटैच करेंगे। यहाँ हमारा ये अटैच हो गया है, और अभी ऊपर वाली स्ट्रिप जो है इसे यहाँ पर फोल्ड करके यहाँ अटैच करेंगे। ये जो प्लेन हिस्सा है बिना कैनवास वाला देखे कुर्ती की राइट साइड में है, और कैनवास वाला हिस्सा रॉन्ग साइड में है। जब कॉलर को हम टर्न करेंगे वो कैनवास वाला हिस्सा बाहर आएगा। देखिए ये कॉलर अटैच हो गया है, और अभी देखिए इस तरह से हम जब कॉलर को यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो कैनवास वाला हिस्सा बाहर रहेगा कॉलर का। और ये हमारा यहाँ कॉलर अटैच हो गया है। यहाँ हुक्स एंड आईज की पट्टी के ऊपर हम कुछ मोती अटैच करेंगे, और कॉलर इस तरह से रहेगा। और देखिए हमने ये मोती अटैच किए हैं यहाँ पर कुछ गैप से, और ये हमारी हुक्स एंड आईज यहाँ, और ये हमारी डिज़ाइन बन के रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।